भी अपनी बाइक खड़ी हुई है एंड ऋषु भी सही टाइम पे आ गया, चेक करो भाई। एंड ये मैं हूँ, अभी तक सो के उठाऊँ जैसे चल रहा है और दुकान पर चलना पहले। तो फाइनली सो पा चुके हैं एंड अपने हाथ में कुछ ऐसा है, ये बाद में बताऊँ क्या है। और ये चेक कर सकते हो मोदी के, आप लोग चाहो तो उसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड को भी गाड़ी खड़ी हुई है, चेक करो भाई। तो सिग्नल लगाता हूँ भाई, इससे पहले आपको बताता हूँ सीन क्या है। हम लोग जा रहे हैं भाई देहरादून एंड वहाँ पे आ रखी है, वैसे तो आपको थंबनेल से पता ही होगा, सिक्स आर आ रखी है ब्लैक कलर में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक्चुअली प्लान कल जाने का था लेकिन कल किसी कारणवश जा नहीं पाए, अंकुर भी कुछ काम आ गया था, मुझे कुछ काम आ गया था। सो आज साथ में ऋषु भी है, लग जा भाई क्या दिखा रहा है उससे। सो वेलकम करना भूल गया था भाई पिछली वीडियो में, नहीं किया एंड पिछली वीडियो की एंडिंग में सही से नहीं करी क्योंकि यार ज़्यादा कुछ सारे वीडियो पे, क्योंकि यार बेसिकली ना मेरा मन ऐसा हो रखा था कि वीडियो डालूँ ना डालूँ, लेकिन मैंने जो टैनर चलाई थी उसकी वीडियो मैंने बना ली थी। सो फिलहाल सो ये गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड आप कमेंट कर बताना सिक्स आर ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर टेन आर ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फिलहाल चल रहे हैं एंड सीधा डायरेक्ट मिल रहा हूँ आपको शोरूम पे। चलो भाई सर्दी तो हो रही थी, सर्दी के ऊपर ही बारिश भी हो गई रास्ते में। फिलहाल यहाँ तो मैं एंट्री कर चुके हैं, कि जेड एक्स सिक्स आर यानी ये चेक कर सकते हो, नया लुक है बाइक का एंड ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च हुए मुश्किल से दो दिन हुआ भी, हैंड्स में दो कलर आपको देखने मिल जाते हैं, एक ग्रीन कलर मिल जाए, सामने ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, ये भी आपको देखने को मिल जाए ब्लैक कलर। एंड आप लोग एक बार कमेंट कर बताएं कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो ग्रीन कलर क्या भाई, ग्रीन कलर दूर से दिख रहा तो एक आई कैचिंग कलर आपको ग्रीन कलर देखने को मिल जाए, अगर आपको क्लासिक में जाना तो आपको ब्लैक कलर अच्छा लगेगा। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, एक तो आपका जो सामने की हेडलाइट है, सामने का जो लुक है वो आपको थोड़ा चेंज लगेगा। साथ में इसमें अंदर आपको दिखा देता हूँ, अंदर जो टीएफटी लगी है भाई वो पूरे डिजिटल हो गई इस बार, पहले टीएफटी डिस्प्ले नहीं आती थी इसके अंदर, ये चेक कर सकते हैं पूरे डिस्प्ले जो है जी 900 वाली 10 आवर वाली डिस्प्ले आ गई है। एंड इसको ऑन करता है, इसके साथ साथ इसको आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको मिल जाता है राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है एंड इसमें जो नई चीज़ ऐड करी गई वो क्विक शिफ्ट ऐड करा गया। और हालांकि एक चीज़ इसमें अजीब लगी कि इस साइड आप चेक कर सकते हो, इस साइड जो बटन की क्वालिटी है भाई वो काफ़ी, मतलब जो बटन आपको दिए गए ये काफ़ी अच्छे हैं और प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन इस साइड क्या भाई ये चीज़ तो अच्छी लगी, इसकी जो बटन की क्वालिटी है ये हल्का सा थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे, बाकी अदर कंपेरिजन जैसे 10R में आता है कि उसका जो स्क्रीन स्विच है वो काफ़ी प्रीमियम सा फील करता है, इसमें ये चीज़ फील नहीं करते। तो सामने फोर आर खड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी स्विचिंग की क्वालिटी थी ना, मैं आपको हल्का सा बता रहा था, ये देखो भाई चेक कर सकते हो, ये स्विच है, ये देखो इसमें जो स्विच है वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, लेकिन उसका स्विच थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, बाकी अपने जीरो सौ भी प्रीमियम है उसमें थोड़ा अजीब सा करते हैं 400। बाकी इसके टैंक देख सकते हो भाई, टैंक क्या है इसकी टैंक की जो चौड़ाई है मोटाई है वो आपकी 10R से भी ज़्यादा है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करता हूँ सिटिंग पोस्चर की, तो सिटिंग पोस्चर में हालांकि कंफर्टेबल है, जैसे 10R में थोड़ा एग्रेसिव है, तो इसमें क्या सिटिंग पोस्चर थोड़ा कंफर्टेबल है। एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हो भाई क्या गिरा, कुछ नहीं गिरा। सो ये चेक कर सकते हो जो सिटिंग पोस्चर है भाई वो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से चेक कर सकते हो सिटिंग पोस्चर, ये देखो भाई कमर मेरी पूरी मतलब एज ए कम्फर्टेबल है, कि ऐसा नहीं है कि पूरा बैंड होना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव है लेकिन इतना नहीं जितना 10R में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एक बार इसकी साउंड की, तो इसका जो साउंड होता है वो भी आपको सुना देता हूँ। सो एक बार इसको ऑन करते हैं एंड ये चेक करो इसका साउंड नोट जो कि स्टोक का हैंड, मुझे लगता है इसमें 0 से ज़्यादा साउंड है ऐसा मुझे बता रहा है भाई। इसमें पाइप ना आगे हेडर जो है, इसके जो हेडर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं साइज़ में, इधर चेक करो एक बार हेडर्स दिखा दो, एक बार हेडर्स दिखा दो यहाँ पे ना, हेडर्स की जो पाइप है ना वो थोड़े मोटाई में कम है, इस वजह से इसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड आती है अकॉर्डिंग टू जीनोसो। सो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, सो ये इसकी नॉर्मल साउंड है, एंड एक बार इसको थोड़ा सा रेव करते हैं, इसकी साउंड नोट चेक करो, एंड इसमें आपको जो ब्रेकिंग है भाई वो आपको निसिन के देखने में मिलते हैं, जैसे 10R में आपने ब्रेम्बो के आते हैं तो इससे उम्मीद थी भाई ब्रेम्बो की ब्रेकिंग आएगी, लेकिन इसमें आपको निसिन के देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे लगता है इस बाइक को देखने के बाद
आप लोग बताना कि आपको जीनोस तो ज़्यादा अच्छी लगी या फिर जो सिक्स आर है वो ज़्यादा बेटर लगेगी। एक्चुअली इसका जो प्राइसिंग यहाँ पे देहरादून में वो है 12,86,000 यानी कि 12,86,000 ऑन रोड। लेकिन बाइक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट कर बताना। सामने टेन आर भी खड़ी है, एक बार टेन आर भी दिखा देता भाई, और आप लोग बताना कि कौन सी लेनी चाहिए मुझे। सो ये टेन आर खड़ी है एंड टेन आर ये 2023 से मैनुफैक्चर है लेकिन है 2024 ही। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली ले जाए या फिर सिक्स आर ले जाए। टेन आर मैंने एक चीज़ में लगी कि भाई ये चीज़ ना अलग ही दिख रही है, देखो यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह, लेकिन होता है यार BMW वगैरह सारी बाइक में, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बाइक में बड़े बड़े चेंजेस होते हैं वेल्डिंग की कितनी अलग ही। लेकिन सिक्स आर में क्या भाई ये चीज़ में ज़्यादा बेटर लगी, देखो यहाँ पे ना पूरा पोर्शन क्या है ये पूरा कवर हो रखा है, यहाँ कहीं भी आपको ये वेल्ड वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा और पूरा अलग ही फेयरिंग के साथ है, तो ये चीज़ भाई सिक्स आर में ज़्यादा बेस्ट है। तो एक बार आप लोग कमेंट करें बताना कि भाई कौन सी बेटर लगेगी, और ये दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 6 लाख का है, यानी कि 12-13 लाख के अराउंड है एंड वो 19 लाख के अराउंड है। तो एक बार आप लोग बताओ कौन सी बेटर रहेगी भाई। अब आप लोग जैसा कमेंट करोगे, इस वीडियो पे कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए भाई, अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट आ गए तो जो आप लोग बोलोगे वो मैं लेकर आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। सो गाइस फिलहाल कावासाकी से निकल रहे हैं। तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं एंड थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं भाई, पहले पानी पीते हैं भाई, प्यास बहुत लग रही है। सो गाइस आप लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या कोल्ड ड्रिंक क्या पी रहे हैं, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है एक्चुअली ब्लैक वाटर है एंड ये थोड़ा अपने हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है क्योंकि इसमें आपको 70+ मिनरल्स मिल जाते हैं। सो गाइस ये एवोकस का अगर आप ब्लैक वाटर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो भाई, काफी बेनिफिशियल है। बाकी आप लोग ये ट्राई कर सकते हो भाई, इसका टेस्ट बिल्कुल पानी की तरह है, इसमें एक्चुअली आपको ऐसा नहीं लगता भाई कुछ अलग चीज़ पी रहे हो, देखने में ऐसा लगता है कोल्ड ड्रिंक या फिर ब्लैक टी वगैरह पी रहे हैं, लेकिन नहीं भाई ये अपने हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है एंड आजकल भाई इतना ट्रैवल वगैरह करते हो भाई ये तो हेल्थ के लिए भाई ये जरूरी है। सो गाइस अब बात करते हैं बाइक के बारे में, भाई 6 आर लेनी चाहिए या 10 आर लेनी चाहिए ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ एंड कब लेंगे ये आपको जल्दी पता लग जाए और मे बी एक महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कि हम लोग कौन सी बाइक ले रहे हैं और कलर वगैरह आप लोग तभी डिसाइड करना, फिलहाल तो पहले डिसाइड करते हैं बाइक कौन सी ली जाएगी। सो आप लोग कमेंट कर बताओ कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए और थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, जैसे थोड़ा व्यूज़ ऊपर बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से क्या अपडेट करते रहेंगे। सो देहरादून से फिलहाल वापस जा रहे हैं हरिद्वार, पहले रास्ते में कुछ खाते हैं भाई, भूख बहुत तेज लग रखी है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड लव यू गाइस, सी यू नेक्स्ट लुक, टेक केयर, थैंक यू सो मच। देखो भाई पीछे बंदा कितना परेशान हो गया साथ में आ गया। चलो भाई मिलते हैं, बाय, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बाय।